Shambhunath Group of Institutions, shaping the future. Hello students. In previous lecture, we already discussed you about the loop and its program. How many types of loop working in C language? And what is the behavior of the loop? Nested loop and its behavior already discussed you. Today I told you a different types of programs that are depend on the nested loop, named pattern printing program. There are different types of pattern. I discuss you how I can convert the code of the patterns. First, that pattern is depend on the nested loop and the row depend on the outer loop and column depend on the internal loop. यानी कि outer loop और internal loop दोनों based programs हैं. किस तरह से हम दोनों loop का use करके और इस program को convert करते हैं, coding करते हैं. सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें कितनी rows हैं आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 रोज है. और इसको अगर देखा जाए कॉलम में तो कॉलम एक फिक्स रो तक नहीं जा रहा है बल्कि कॉलम वेरिएबल टाइम्स तक जा रहा है. सबसे पहले कॉलम 1 है, फिर कॉलम में 2 एसएक्साइन प्रिंट हो रहा है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है. इस तरह से तो इसके लिए सबसे पहले जो लूपिंग का कांसेप्ट है वो होगा कि इंटरनल जो आउटर लूप है वो आउटर लूप कितने टाइम तक चलेगा, 1 टू 5 टाइम तक चलेगा. और जो इनर लूप है वो 1 टू वेरिएबल टाइम्स तक चलेगा. यानी वेरिएबल टाइम्स तक चलने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम तक, 1 टाइम तक, फिर 2 टाइम, 3 टाइम, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में चलेगा. तो आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग में. तो सबसे पहले हेडर फाइल क्लियर कर देते हैं. Has include stdio.h. You know very well what is header file, corio.h. Next, main function, void main. And after that, the section is declaration of variable. int फर्स्ट एक रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए वेरिएबल हम यहां डिफाइन करेंगे, i फॉर रो एंड j फॉर कॉलम. ठीक है, उसके बाद यहां पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन डिफाइन कर देते हैं. क्लियर स्क्रीन फंक्शन यानी जब भी हमारा आउटपुट आएगा स्क्रीन हमारी क्लियर हो जाए. फिर यहां पर कोडिंग स्टार्ट हो रही है. सबसे पहले फॉर लूप का यूज करेंगे. फॉर लूप i इक्वल्स टू 1, i is less than or equal to, row कितना चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 to 5 तक का लूप चलेगा, i plus plus, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि for में सबसे पहले initialization section होता है, फिर condition होता है, और फिर counter होता है, और सबसे पहले initialize होता है variable, उसके बाद कंडीशन चेक करता है. इफ कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इन द लूप. उसके बाद नेक्स्ट इनर लूप देखते हैं कहां से कहां तक इसको चलाना है. वेरिएबल टाइम तक चलाना है तो कौन से दो स्टार्ट होगा, ही जे लेस देन आर इक्वल टू कहां तक चलेगा, आई तक चलेगा, क्योंकि आई सबसे पहले 1 होगा तो 1 तक 1 टाइम चलेगा. जब आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 2 तो टाइम्स लूप चलेगा, i इंक्रीज करता जाएगा और उस पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम i तक चलाएंगे.
और जे प्लस प्लस, ठीक है। अब यहां पर प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ एस्ट्रिक साइन, क्योंकि एस्ट्रिक साइन ही हमें प्रिंट कराना है, तो एस्ट्रिक साइन को प्रिंट करा दिया। इनर लूप को यहां पर क्लोज कर रहे हैं, और क्लोज करने के बाद जब ये इनर लूप से बाहर आए तो जैसे ही एक स्ट्रिक साइन प्रिंट हो या दो प्रिंट हो या तीन प्रिंट हो, तो वन रो को जैसे प्रिंट करे उसके बाद कर्सर की पोजीशन नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर कर। इसके लिए प्रिंट एफ बैक स्लैश यन, इसको डिफाइन कर दिया और ये आउटर लूप को यहां पर क्लोज कर। आउटर लूप क्लोज करने के बाद नीचे आकर के गेट सीएस फंक्शन, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया था गेट सीएस फंक्शन क्यों यूज होता है प्रोग्रामिंग में, सिंगल कैरेक्टर इनपुट फंक्शन होता है, आउटपुट की स्क्रीन हमारी स्टिल है, इस वजह से गेट सीएस फंक्शन का हमने यहाँ इंप्लीमेंट किया है कि वो सिंगल कैरेक्टर हमसे इनपुट के रूप में मांगेगा, और जब तक हम अपने आउटपुट को देख के संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, तब तक हम उसको कोई भी इनपुट नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो हमारी कोडिंग है वो आउटपुट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। लूप आई यहाँ पर चल रहा है फॉर का, आई इज इक्वल टू 1, कंडीशन यहाँ चेक किया आई लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन 2, और तुरंत लूप इनर लूप में कहा कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। जे की वैल्यू यहाँ पर 1 है, जे यानी 1 लेस देन आर इक्वल टू आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 से देखेंगे 1 लेस देन आर इक्वल टू 1, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, एक कंडीशन यहाँ पर 2 हुई और नीचे आया और एक एस्ट्रिक साइन को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद फिर से गया जे के पास, यहाँ काउंटर है जे प्लस प्लस, यानी जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, और यहाँ पर इंक्रीज किया 1 से जे को और जे की वैल्यू हो गई 2। फिर से अब ये जो सेक्शन है इस लाइनेशन का 1 टाइम ही एग्जीक्यूट होता है किसी भी लूप में। अब ये कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास जाएगा और यहाँ पर चेक करेगा कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, और कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगा फॉल्स, और फॉल्स के केस में क्या करेगा, इनर लूप से बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद एक कोड हमने यहाँ एग्जीक्यूट कराया है प्रिंट एफ में बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन क्या करेगा हमारे कर्सर की पोजीशन को नेक्स्ट रो पे ट्रांसफर कर दिया, और उसने क्या किया हमारे कर्सर की पोजीशन जो यहाँ थी और यहाँ पे कर्सर की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया। फिर से गया कहाँ पे आई के पास, यानी आउटर लूप के पास, आई को इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू हो गई क्या 2, फर्स्ट पहले क्या था 1 था, 1 प्लस 1 हो गया 2 हो गया, 2 लेस देन आर इक्वल टू 5, और इस बार आई की वैल्यू 2 है। अब ये आपका इनर लूप दो बार चलेगा, 1 से कहां तक चलेगा, पहली बार 1 के लिए, दूसरी बार 2 के लिए, यानी 2 टाइम्स चला, और क्या प्रिंट कर दिया 2 टाइम्स एस्ट्रिक साइन, यही करता जाएगा। जे को इंक्रीमेंट किया, अब जे की वैल्यू जैसे 3 होगी इससे बाहर आएगा, कर्सर की पोजीशन नीचे आ जाएगा और फिर आई के पास जाएगा, और इस तरह से आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू इस समय 3 हो चुकी है, अब 1 से 3 टाइम का लूप इनर चलेगा और उसके बाद एस्ट्रिक साइन को 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। फिर नीचे आएगा, जैसे कंडीशन इसकी पास होगी नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर से एक बार ये क्या करेगा कर्सर की पोजीशन को नीचे ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद फिर गया आउटर लूप के पास, और आउटर लूप के पास जाने के बाद आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, और इंक्रीमेंट होने के बाद फिर नीचे आया, अब 1-4 टाइम का लूप चलेगा, अब 4 टाइम का लूप चला और प्रिंट क्या किया एस्ट्रिक साइन, यानी इनर लूप अब 4 टाइम चला, और वहां पे हम स्टेटमेंट के रूप में एस्ट्रिक साइन को प्रिंट करा रहे हैं, और एस्ट्रिक साइन प्रिंट करने के लिए 4 टाइम का लूप चला, और जैसे ही इसकी वैल्यू 5 हुई इंक्रीमेंट करने के बाद ये इसकी बाहर आ गया, फिर से एक बार आई के पास पहुंचा, अब आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, अब 1 से 5 टाइम का लूप चलेगा, ये 5 टाइम एग्जीक्यूट करेगा और 5 टाइम एस्ट्रिक साइन को प्रिंट किया, और 5 टाइम एस्ट्रिक साइन प्रिंट हुआ, नीचे आया कर्सर को यहां ट्रांसफर किया, फिर से आई के पास गया, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 6, और यहां कंडीशन क्या होगा फॉल्स, और फॉल्स होने के बाद हम इससे क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे, और जब तक हम बाहर आएंगे तब तक हमको एक आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट हमको गेन हो चुका है, ठीक है। तो अब इसी पे हम लोग दूसरा प्रोग्राम करते हैं, इसमें केवल हमें ध्यान रखना है कि आउटर लूप
और इनर लुक किस तरह से वर्क कर रहा है, केवल इसको ध्यान में रखते हुए हम पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आप लोग देख लीजिए इसको एक बार कायदे से नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम एक दूसरा पैटर्न यहाँ पर बना रहे हैं जिसपे हमको वर्क करना है। सबसे पहले बैग इवेंट क्लियर कर लेते हैं, लूप लगाते हैं इसके लिए। अगर इसको 1 टू 5 टाइम चलाएं या 5 टू 1 टाइम चलाएं, कितने टाइम्स रन होगा, 1 2 3 4। तो इसको क्योंकि इन हमारा जो इनर लूप है वो आउटर लूप पे डिपेंडेंट है, इस वजह से हम क्या करेंगे, आउटर लूप के वेरिएबल को, आउटर लूप को इस तरह से एग्जीक्यूट कराएंगे जिससे हम उसकी वैल्यू को इनर लूप में यूज कर पाए। तो चलिए चलते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 5, आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। इनर लूप की बात करें तो फॉर जे इज इक्वल टू आई, जे इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और जे प्लस प्लस, 5 टू 1 चलाएं या 1 टू 5 चलाएं, ये टोटल नंबर ऑफ टाइम कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, 5 टाइम्स। इसको हम यहां यूज कर रहे हैं, डिपेंडेंट है, इस वजह से इसको हमने अपोजिट डायरेक्शन में चलाया। अब इनर लूप देखिए, j is equal to i, i की वैल्यू क्या है, 5, 5 से कहां तक चलेगा, 1 तक चलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर प्रिंट करा दिया जाए, print f asterisk sign, inner बंद हो गया, आप और inner और outer के बीच में backslash l लगा देते हैं जिससे कि line को change कर दे, और इधर get ch और ये। अब इसमें देखिए 5 greater than or equal to 1, condition बिल्कुल true है, नीचे है, इनर लूप में आया, और इनर लूप में आने के बाद j is equal to i, what i, यानि 5, j की वैल्यू क्या होगी, 5 less than or equal to 1, 5 less than or equal to 1, क्या 5 less than है 1 के, no, यहाँ पर क्या हो गया, condition false हो जाएगी। तो हमको चलाना कहाँ से कहाँ तक है, 5 से कहां तक चलाना है, ये हमारा 5 हो गया, 5 से 1 तक चलाना है। इसको भी अगर हम greater than or equal to 1 कर दें, ठीक, और इसको माइनस माइनस कर दें। अब देखिए j की वैल्यू क्या होगी, 5 greater than or equal to 1, कंडीशन ट्रू। अब कहां चला जाएगा, नीचे आएगा, और कितनी बार इसको प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 एंड 5। कैसे करेगा, 5 है, कंडीशन ट्रू हुआ, 1 टाइम प्रिंट किया, फिर यहां गया माइनस किया, तो अब क्या हो गया, 4 हो गया, 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, फिर कंडीशन ट्रू हो गया, फिर से इसको प्रिंट किया, फिर माइनस किया, फिर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इस तरह से करते-करते इसको क्या प्रिंट किया, 5 टाइम्स को प्रिंट कर दिया, और जब 0 हो गई इसकी वैल्यू, इससे बाहर आया क्या हो गया, बैकस्लैश n, यानी कि नीचे आकर के कर्सर को शिफ्ट कर दिया। अब फिर से लॉटरी कहां गया, आउटर लूप में गया,
अब आई की वैल्यू क्या हो गई 4। अब कहां से कहां तक ये लूप चलेगा, 4 से 1 तक चलेगा, 4 से 1 तक चलेगा, यानी कि 4 से 1 तक चलेगा, यानी टोटल कितने टाइम चलेगा, 4 टाइम के लूप चलेगा। अब एस्ट्रिक साइन यूज किया यहां, 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हो गई ट्रू, और ट्रू के केस में क्या करेगा कि नीचे आया और एस्ट्रिक साइन को प्रिंट किया। फिर यहां गया j माइनस माइनस, j की वैल्यू अब कितनी है 4 है, अब यहां पर माइनस कर दिया, j की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन फिर से ट्रू हुई, फिर नीचे आया और प्रिंट किया। फिर इसी तरह से फिर यहां गया माइनस किया, j की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिर से एक बार आया और इसको प्रिंट किया। फिर ऊपर गया माइनस किया, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इस वजह से क्या करेगा 1 टाइम फिर से इसको प्रिंट करेगा, और करने के बाद फिर माइनस किया, यहां पर ऊपर गया इंटरनल लूप में और जाने के बाद फिर माइनस किया, अब इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है और इससे क्या आएगा बाहर आएगा, और कर्सर को कहां शिफ्ट कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया। नीचे शिफ्ट करने के बाद फिर से गया आउटर लूप में, अब आई की वैल्यू क्या हो गई 3, आई माइनस माइनस यानी आई की वैल्यू 4 थी इसकी जस्ट पहले, अब माइनस कर दिया 3 हो गई। अब क्या करेगा, j की वैल्यू j इज इक्वल टू i यानी j की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी अब ये लूप 3 बार चलेगा, फिर उसके बाद 2 टाइम्स चलेगा, फिर 1 टाइम्स चलेगा, और इस तरह से करते करते ये इस फॉर्म में एस्ट्रिक साइन को प्रिंट करता, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि आउटर लूप को हम कितनी बार चलाएं, अगर हम इनर लूप में आउटर लूप की वैल्यू को यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, इस लूप को एग्जीक्यूट करना होगा, इसमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे पैटर्न हम ड्रा कर देते हैं, सबसे पहले 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये पैटर्न है। अब इस पे देखिए, पहले इस पैटर्न को समझ लिया जाए, 5 टाइम का आउटर लूप हो गया और वेरिएबल टाइम्स ये आपका कॉलम के प्रिंट करने के लिए लूप चलाएंगे और रो को प्रिंट कराने के लिए हम आई का लूप चलाएंगे जो कि 5 टाइम का होगा। अब इसमें वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है ये देखना है कि वैल्यू हमको क्या प्रिंट कराना है, और उसके हिसाब से लूप के वैल्यू को जहां स्ट्रिक साइन प्रिंट करा रहे थे वहां पर किसी वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे जो वैल्यू ये जनरेट करेगा 1 या 1 2 या 1 2 3 या 1 2 3 4, इस तरह से जो भी वैल्यू को जनरेट करेगा उसको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैसे चलाना है, वही प्रोग्राम है आईएमटी, आई और जे को वेरिएबल ले लिया, कितने टाइम तक जा रहा है 1 से आई लेस देन आर इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, ठीक। यहाँ पर j is equal to 1, j is less than or equal to i, j plus plus, ठीक है। अब यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, क्या प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट here। अब यहाँ पर सीधे सीधे डबल कोट्स में ना प्रिंट करा के वैल्यू हमको प्रिंट कराना है, और वैल्यू सेम वैल्यू ही प्रिंट नहीं हो रही है बल्कि वो वैल्यू बार बार अपने आप को जनरेट कर रही है, इस वजह से ये इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर परसेंट साइन डी हम लगा रहे हैं, और डी लगाने के बाद अब देखना है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं जिससे सबसे पहले 1 प्रिंट हो फिर 1 2 इस तरह से नेक्स्ट नंबर जनरेट करता है। अगर हम यहाँ पर j को प्रिंट कराएंगे तो j सबसे पहले 1 से कहाँ तक चल रहा है, आई तक चल रहा है यानी 1 तक चल रहा है, एक बार ही चलेगा और j की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस वजह से किसको प्रिंट करेंगे, j को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर j को प्रिंट कर दिया, इसको बंद किया, बंद करने के बाद फिर से वही लाइन को नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर करने के लिए बैक स्लैश n लगाया और गेट से से। अब देखिए इसको एग्जीक्यूट किया जाए, i = 1, 1 less than or equal to 5, ठीक है। यहां कंडीशन चेक किया, 1
less than or equal to 5, condition true. आगे यहाँ पर inner loop है, और inner loop में आने के बाद फिर देखा j is equal to 1, initial value check किया है 1 है, और यहाँ पर check किया 1 less than or equal to i, i की value क्या है 1, तो 1 less than or equal to i, less तो नहीं है, लेकिन equal है, एक बार ये loop चलेगा, condition क्या हो गया यहाँ पर true हो गया, और true होने के बाद नीचे आया, और print हम क्या करा रहे हैं j की value, और j की integer value क्या है यहाँ पर 1, तो क्या print कर दिया 1 को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद फिर से गया जे के पास, ये काउंटर चला, इंक्रीमेंट काउंटर चला और इंक्रीमेंट किया, और इंक्रीमेंट करने के बाद देखिए क्या हो गया, जे की वैल्यू 2 हो गई। अब यहां कंडीशन को चेक करेगा, 2 लेस देन आर इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, और फॉल्स ही कैसे क्या करेगा, इस इनर लूप से बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद एक स्टेटमेंट हमने यहां पर लिख रखा है प्रिंट या बैक स्लैश एन, जो क्या करता है कि बैक स्लैश एन नेक्स्ट लाइन के कर्सर की पोजीशन को शिफ्ट करता है। अब हमारा कर्सर इस प्लेस पे, ठीक है, इस प्लेस पे, और यहां पर फिर से क्या किया, ट्रांसफर हो करके आउटर लूप में गया, और आउटर लूप के काउंटर को इंक्रीमेंट किया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी 1 था अब 2 हो गया, 2 लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से एक बार ट्रू है, और फिर इनर लूप में आया। अब ये लूप कितनी टाइम्स चलेगा, 1 से 2 टाइम्स चलेगा, द इनर लूप एग्जीक्यूट 2 टाइम्स, फर्स्ट प्रिंट आई की वैल्यू जे की वैल्यू क्या है 1, एंड फिर जे को इंक्रीमेंट किया, और जे को इंक्रीमेंट करने के बाद जे की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 लेस देन आर इक्वल टू 2, कंडीशन फिर से एक बार ट्रू है, और इस बार फिर से क्या प्रिंट किया, 2 को प्रिंट किया। जैसे ही जे के पास फिर से काउंटर के पास कंट्रोल गया, जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू क्या हो गई 3, इस बार कंडीशन फॉल्स हुआ, और कर्सर की पोजीशन को फिर से नीचे शिफ्ट किया, फिर एक बार आउटर लूप में गया, आई को इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन फिर से एक बार ट्रू है, कहां ट्रांसफर कर दिया, इनर लूप में, और इनर लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, यानी 3 टाइम्स चलेगा, फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट किया 1, फिर इंक्रीमेंट किया 2, फिर इंक्रीमेंट किया 3, और जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स होगा, बाहर है। इस तरह से करते हुए ये सेकंड नेक्स्ट टाइम में 4 टाइम लूप चलेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम में 5 टाइम लूप चलेगा, और इस तरह से हमारा डिजायर्ड आउटपुट गेन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो आपका पैटर्न है कुछ इस तरह से है, उस पर ध्यान देना है, केवल आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आउटर और इनर लूप किस तरह से वर्क करता है और क्या हमें प्रिंट करना है। अब इस पैटर्न पे हमको काम करना है बिल्कुल उसी तरह से, अगर ये दो प्रोग्राम आपको समझ में आ गए होंगे, उसकी कोडिंग समझ में आ गई होगी, ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें भी कुछ भी नहीं है, केवल आपको ध्यान देना है कि आउटर लूप कहां तक चलाए और इनर लूप कहां तक चलाए, कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज करें और कहां से चलाए, इसको ध्यान में रखना होगा बस। अब इसमें देखिए 1 टू 5 टाइम, यानी आउटर लूप आपका कहां से कहां तक चलेगा, 1 टू 5 टाइम चलेगा, और इनर लूप वेरिएबल टाइम से चलेगा। लेकिन देखिए प्रिंटिंग बाकी सारी चीजें प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ही है, केवल आपको यह ध्यान देना होगा कि हम यहाँ प्रिंट जो करा रहे हैं क्या प्रिंट करा रहे हैं, एक सेम वैल्यू को उतने टाइम्स तक प्रिंट करा रहे हैं, यानी अगर 1 को देखा जाए 1 टाइम का लूप चलेगा, 1 ही प्रिंट हो रहा है, 2 को देखा जाए तो 2 को 2 टाइम्स प्रिंट करा रहे हैं, 3 को देखा जाए 3 टाइम्स प्रिंट हो रहा है, बस इसके अनुसार हम इसको प्रोग्राम को करेंगे। देखते हैं i is equal to 1, i is less than or equal to 5, इसके लिए चला रहे हैं 5 रो में, i प्लस प्लस फॉर j इज इक्वल टू फॉर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड j प्लस प्लस, ठीक है। यहां पर 5 तक ना चला के कहां तक चलाएंगे, i तक चलाएंगे, रिवर्स प्रोग्राम में भी हम लोगों ने i तक चलाया था, क्योंकि ये 5 टाइम ये कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम तक इनर लूप पर लोग नहीं चलाएंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम तक ही चलाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए प्रिंट क्या कराना है,
printf परसेंट साइन डी, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट साइन डी लगाएंगे। उसके बाद प्रिंट क्या कराना है, अगर हम यहाँ पर आई को प्रिंट कराते हैं तो क्या करेगा, आई यानी एक ही वैल्यू को वन टाइम, फिर दूसरी बार टू टाइम्स, फिर थ्री टाइम्स, उसी वैल्यू को जो आई की वैल्यू होगी उसी को बार बार रिपीट करेगा और यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट। एक बार कोडिंग कंप्लीट कर देते हैं फिर समझाते हैं आपको। अब देखिए वन वन लेस देन आर इक्वल टू फाइव, यहां आया देखा कंडीशन को चेक किया, कंडीशन बिल्कुल ट्रू, अगर ट्रू है आउटर लूप की कंडीशन तो कहां आ जाएगा, इनर लूप में, और इनर में आ गया जे के पास आ गया, जे को इनिशियलाइज करेगा, इनिशियलाइज किया जे इज इक्वल टू क्या हो गया वन। अब यहां चेक किया वन लेस देन आर इक्वल टू आई, आई यानी वन, वन लेस देन आर इक्वल टू वन कंडीशन ट्रू, और ट्रू होने पे आएगा नीचे और प्रिंट क्या कर देगा, आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा और आई की वैल्यू क्या है वन है, तो क्या प्रिंट कर दिए वन प्रिंट कर दिए। उसके बाद जे के पास किया, जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू टू हो गई, टू लेस देन आर इक्वल टू वन कंडीशन फॉल्स, और फॉल्स केस में क्या आ जाएगा, इस इनर लूप से बाहर आएगा, और बाहर आया बैक स्लैश एन दिए हैं तो कर्सर यहां था, कर्सर किस पोजीशन पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा, नीचे आने के बाद फिर से गया आउटर लूप में, इस बार आई को इंक्रीमेंट किया और आई को इंक्रीमेंट करने के बाद अब आई की वैल्यू क्या हो गई टू हो गई, टू लेस देन आर इक्वल टू फाइव कंडीशन क्या हो गया ट्रू, और ट्रू होने के बाद फिर से एक बार कहां चला आया इनर लूप में, अब ये लूप कितनी बार चलेगा वन से कितनी बार चलेगा टू टाइम्स चलेगा, यानी ये लूप अब दो बार चलेगा, और दो बार चलने के बाद प्रिंट क्या कराएगा आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू क्या है टू, यानी यहां क्या प्रिंट किया सबसे पहले कंडीशन ट्रू होने के बाद टू प्रिंट किया, जे को इंक्रीमेंट किया, जे को इंक्रीमेंट करने के बाद जैसे इंक्रीमेंट हुआ जे की वैल्यू फिर से अब जे की वैल्यू क्या हो गई टू, टू लेस देन आर इक्वल टू टू कंडीशन ट्रू है, क्योंकि लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इस वजह से फिर से नीचे आया और इस बार इसको प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया टू प्रिंट किया, आई को प्रिंट करा रहे हैं, आई की वैल्यू टू ऑलरेडी है और पहली बार भी टू प्रिंट किया, दूसरी बार गया और दूसरी बार भी हम जे को प्रिंट नहीं करा रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ अगर जे को प्रिंट करा देंगे तो गलत हो जाएगा, डिसाइड आउटपुट नहीं आएगा, इस वजह से ध्यान देना है कि हम प्रिंट किसको करा रहे हैं आई को, और आई यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो चुका है यानी टू हो चुका है, तो यहाँ पर टू को ही टू टाइम्स प्रिंट किया, फिर जे के पास गया, जे को इंक्रीमेंट किया, जे इंक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, और थ्री लेस देन आर इक्वल टू टू कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, और फिर नीचे आया कर्सर की पोजीशन को नीचे ट्रांसफर किया। अगर ये दो स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे तो बाकी जो भी दो बार और इसके कोड चलने हैं, इसके लूप चलने हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर आप फेल हो गए नहीं समझ पाए तो बाकी चीजें नहीं समझ आएंगी, एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए। एक बार फिर से आउटर लूप में गया, अब आउटर लूप अभी तक टू, आई की वैल्यू टू थी, इंक्रीमेंट किया और इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई थ्री, यानी आई यहाँ पर काउंटर क्या किया इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू क्या हो गई थ्री हो गई, थ्री होने के बाद थ्री लेस देन आर इक्वल टू फाइव कंडीशन एक बार फिर से ट्रू हुई, और ट्रू हुआ तो कहाँ चला आया फिर से इनर लूप में आया, और इनर लूप फिर से कहाँ तक कहाँ चलेगा आई की वैल्यू थ्री हो चुकी है तो वन से थ्री टाइम्स चलेगा, यानी ये टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार चलेगा थ्री टाइम्स चलेगा, पहली बार वन के लिए चला कंडीशन ट्रू नीचे आया आई की वैल्यू क्या हो चुकी है थ्री हो चुकी है तो थ्री को प्रिंट किया, फिर ऊपर गया जे को इंक्रीमेंट किया, जे को इंक्रीमेंट करने के बाद अब जे की वैल्यू टू है, टू लेस देन आर इक्वल टू थ्री कंडीशन टू, और नीचे आया फिर से थ्री को प्रिंट किया, और फिर यहाँ गया अब यहाँ पर जे की वैल्यू थ्री हो चुकी है, थ्री लेस देन आर इक्वल टू थ्री लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इस वजह से थ्री को फिर से प्रिंट किया। जैसे ही जे को इंक्रीमेंट किया और जे की वैल्यू फोर हुई वैसे इससे बाहर आया, और बाहर आने पर कर्सर की पोजीशन को यहाँ से फिर आई के पास गया और आई इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू क्या हो गई इस बार फोर हो गई, फोर लेस देन आर इक्वल टू फाइव कंडीशन टू नीचे आया, कहाँ आया इनर लूप में आया, और इनर लूप में देखा यहाँ कंडीशन चेक किया क्या जे की वैल्यू क्या है वन, वन लेस देन आर इक्वल टू फोर कंडीशन एक बार फिर से ट्रू हुई और नीचे आया, और इस बार प्रिंट क्या करा रहे हैं आई को ही प्रिंट करा रहे हैं, और आई की वैल्यू क्या हो चुकी है फोर हो चुकी है, तो क्या प्रिंट कर दिया फोर प्रिंट किया।
फिर से जे के पास गया, जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 2 लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन फिर से ट्रू और फिर से क्या प्रिंट किया 4। फिर यहां गया इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन फिर से ट्रू और प्रिंट क्या कराना है आई, आई क्या हो चुका है 4, फिर से एक बार 4 को प्रिंट किया। फिर यहां पर गया, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट किया, 4 हो गया, 4 लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन फिर से एक बार ट्रू और फिर से एक बार क्या प्रिंट कर दिया 4। यहां गया जे के पास, जे इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू हो चुकी है 5, अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है 5, 5 लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स, इस बार फिर से बाहर आया और नीचे कर्सर को नीचे ट्रांसफर किया, फिर लिया आउटर लूप में, इस बार आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, यहां पर जे की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी अब ये लूप कितनी बार चलेगा 5 टाइम्स चलेगा और 5 टाइम्स क्या प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू क्या है 5, यानी पहली बार में 5 प्रिंट किया, दूसरी बार में 5 प्रिंट किया, तीसरी बार में 5 प्रिंट किया, चौथी बार में 5 प्रिंट किया और पांचवी बार में 5 करने के बाद फिर यहां गया आई को इंक्रीमेंट किया, आई वैल्यू 6 हो चुकी है और इससे हम बाहर आ जाते हैं। इस तरह से जो भी डिजायर्ड आउटपुट था वो डिजायर्ड आउटपुट हमको गेन हो चुका है। ये पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम में आपको सबसे जरूरी है कि इसके लूप पे ध्यान दिया जाए, जो आउटर लूप है, इनर लूप है, और हर बार वो पैटर्न किस तरह से रन एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है, कैसे हमको आउटर लूप चलाना है, कैसे इनर लूप चलाना है, कौन सी वैल्यू हमको प्रिंट कराना है, इसको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रोग्राम उसके बाद है, इसका अपोजिट है, उसी तरह से जैसे हम लोगों ने एसटी साइन का प्रोग्राम किया था, यहां मैं बना देता हूं, ये भी उसी तरह से है जैसे हमने आपको एस्ट्रिक साइन का प्रोग्राम बताया था। केवल ध्यान ये रखना है कि जहां हम एस्ट्रिक साइन प्रिंट करा रहे थे उसके प्लेस पे जो वेरिएबल है जे उसको प्रिंट कर रहे हैं, ये आपको खुद से करना है। आगे हम चलते हैं, आगे एक नेक्स्ट प्रोग्राम है, ए ए बी ए बी सी A B C D A B C D E, ये थोड़ा अलग ढंग का प्रोग्राम है। इसमें हमको ये ध्यान देना होगा कि देखिए पहले A प्रिंट हो रहा है, फिर A B प्रिंट हो रहा है, फिर A B C प्रिंट हो रहा है, फिर A B C D प्रिंट हो रहा है, यानी इसमें कोई हम वेरिएबल इस तरह से लिख के प्रिंट नहीं कराएंगे। प्रिंट एफ में हमने लिख दिया A, फिर प्रिंट एफ में हमने लिख दिया A B, इस तरह से प्रिंट। इसको समझने के लिए हमको स्काई कोड देखना होगा। कंप्यूटर में स्काई कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एक चार्ट होता है जिसमें 0 से लेकर के 255 तक कैरेक्टर्स होते हैं, यानी टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं, और हर एक न्यूमेरिक वैल्यू के अगेंस्ट एक कैरेक्टर वैल्यू होता है। तो हमको देखना है कि उस चार्ट के अनुसार ए की वैल्यू क्या होगी। तो कैपिटल ए हमारा उस चार्ट में शुरू होता है 65 से और स्मॉल ए 97 से शुरू होता है, स्टार्ट होता है। इसको ध्यान में रखना है तभी ये प्रोग्राम बन पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फिर से इस प्रोग्राम को देखा जाए कैसे इस पैटर्न को हम प्रिंट करते हैं। जैसे हमको मालूम है कि अगर ये पैटर्न यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, I की इनिशियल वैल्यू 97 रख देते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया कि A की वैल्यू 97 होती है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कितने टाइम्स चलेगा, 5 टाइम ही चलेगा, तो 97 से अगर 101 तक अगर हम इसको चलाएं 5 टाइम ही चलेगा, ठीक है ना। तो 5 टाइम ये चल ही रहा है, 1 2 3 4 5, 97 98 99 100 एंड 101, टोटल नंबर ऑफ टाइम कितने टाइम्स चला, 5 टाइम्स चला। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसको 97 से क्यों चलाया जा रहा है, 1 से क्यों नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए कि इसकी वैल्यू इनर लूप में यूज हम करने जा रहे हैं, इस वजह से इसको 97 तक हमने चलाया। I इक्वल टू 97 हुआ, I लेस देन आर इक्वल टू 101, टोटल कितने टाइम्स तक यूज चलेगा, 5 टाइम्स तक ही चलेगा, ठीक है। और I प्लस प्लस देखा जाए
इनर लूप कहां से कहां तक चलेगा, j इज इक्वल टू 97, j लेस देन आर इक्वल टू i और j प्लस प्लस, ठीक है। अब यहां पर प्रिंट करा दिया जाए, प्रिंट हियर। अब यहां पर भी ध्यान देना है कि जो न्यूमेरिक वैल्यू है उस न्यूमेरिक वैल्यू के अगेंस्ट हमको कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कराना है, तो यहां पर परस कैरेक्टर के लिए क्या होता है, परसेंट साइन सी, और यहां प्रिंट क्या कराएंगे हम, जे को प्रिंट करेंगे। अगर यहां परसेंट साइन डी हम लिखते हैं तो जे की वैल्यू क्या प्रिंट होती, 97, लेकिन अगर परसेंट साइन सी हम लिखेंगे तो जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, स्मॉल ए, ठीक है। उसी तरह से प्रोग्राम है, फिर यहां लाइन को शिफ्ट करने के लिए बैक स्लैश यहां हमने यूज कर दिया और ये बेस बंद कर दिया, गेट स्विच हो गया। अब देखिए फिर से इसको एग्जीक्यूट कराया जाए, आई की वैल्यू क्या हुई, 97 लेस देन आर इक्वल टू 101, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। नीचे आया, कहां आया, इनर लूप में आया, और इनर लूप कहां से कहां तक एग्जीक्यूट करेगा, 97 से कहां तक करेगा, आई की वैल्यू क्या है, 97, यानी वन टाइम ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, और वन टाइम एग्जीक्यूट करने के बाद प्रिंट हम क्या करा रहे हैं, जे को प्रिंट करा रहे हैं, और जे की वैल्यू क्या है, 97, और 97 की कैरेक्टर वैल्यू क्या होगी, स्मॉल ए, तो क्या प्रिंट कर दिया, स्मॉल ए। जैसे कि जे के पास जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू क्या हो गई है, 98 हो गया, आई की वैल्यू क्या थी, 97, 98 लेस देन आर इक्वल टू 97, कंडीशन फॉल्स, और इस बार कहां आया, नीचे आया, इस इनर लूप से बाहर आया, ठीक, और इनर आउटर के बीच में हमने एक स्टेटमेंट लगा रखा है बैक स्लैश एन, कर्सर हमारा यहां पर था, नीचे आया, कर्सर की पोजीशन ये हो गई, और फिर से कहां चला गया, आउटर लूप में आया, इंक्रीमेंट किया, काउंटर को इंक्रीमेंट किया, काउंटर चला यहां पर, i = i + 1, i की वैल्यू क्या थी, 97, अब i की वैल्यू क्या होगी, 98 लेस देन आर इक्वल टू 101, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। फिर से आ गया कहां पे, इनर लूप में आ गया, और इनर लूप की कंडीशन क्या है, यहां पर देखिए 97 से चल रहा है, 97 लेस देन आर इक्वल टू 98, i की वैल्यू क्या है, 98, तो क्या होगा, 97 लेस देन आर इक्वल टू 98, कंडीशन फिर से ट्रू हुई और नीचे आया, और प्रिंट क्या किया, जे को कैरेक्टर वैल्यू में प्रिंट किया, यहां पर क्या हुआ, 97 को कन्वर्ट किया कैरेक्टर में, ए हो, फिर यहां गया, जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू क्या होगा इस बार, 98 लेस देन आर इक्वल टू 98, लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो फिर से एक बार लूप चला, और यहां पर 98 को कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर वैल्यू में, तो क्या कन्वर्ट कर दिया, स्मॉल डी। फिर एक बार गया, यहां इंक्रीमेंट किया जे को, और जे को इंक्रीमेंट करने के बाद जब इसको इंक्रीमेंट कर रहा है तो जे की वैल्यू क्या हो गई, 99, और यहां कंडीशन फॉल्स का बाहर आया, कर्सर की पोजीशन को फिर नीचे शिफ्ट किया, फिर ऊपर गए आई के पास, आई की वैल्यू अभी तक क्या थी, 98 थी, अब क्या हो गया, 98 प्लस 1 99 हो गया, कंडीशन यहां ट्रू हुआ, 99 लेस देन आर इक्वल टू 101, कंडीशन ट्रू नीचे आया, और नीचे आने के बाद कहां आ गया, इनर लूप में आया, और इनर लूप कहां से कहां तक चलेगा, 97 से 99 तक, यानी इस बार ये लूप 3 टाइम्स चलेगा, और प्रिंट क्या करेगा, सच पहले 97 को कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर वैल्यू में, क्या कैरेक्टर वैल्यू आया, ए, फिर 98 को कैरेक्टर वैल्यू में प्रिंट किया, क्या आया, बी, फिर इंक्रीमेंट करने के बाद 99 को कैरेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट किया, अब क्या आ गया, सी, और जैसे ही इसको इंक्रीमेंट किया 100 हुआ, कंडीशन फॉल्स भी, फिर नीचे आया, कर्सर की पोजीशन को नीचे ले आया, फिर एक बार कहां गया, आई के पास गया, यानी आउटर लूप में गया, कंडीशन को फिर से एक बार ट्रू, यहां पर काउंटर चला और यहां पर आया, और आई की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर 99, यहां क्या हो, 100 होने पर 100 लेस देन आर इक्वल टू 101, कंडीशन फिर से एक बार ट्रू हुआ और नीचे आया, ये 97 से चल रहा है, 97 से चला, और कहां तक चलना है, इसको 100 तक चलना है, तो 97 ए, ठीक, फिर यहां इंक्रीमेंट किया 98, कैरेक्टर में चेंज किया बी, फिर यहां कन्वर्ट किया, काउंटर चला 99 सी, फिर इसको
किया 100 और 100 को कन्वर्ट किया डी। 4 टाइम्स ये लूप एग्जीक्यूट कर चुका है। अब एक बार के लिए फिर से यहां गया, जे को इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू क्या हो गई फिर से 101 लेस देन आर इक्वल टू 101, कंडीशन एक बार फिर से ट्रू हुई, नीचे आया। अब ये लूप 97 से कहां तक चलेगा, 101 तक चलेगा, यानी कितने टाइम चलेगा, 5 टाइम चलेगा, और 97 को कन्वर्ट करेगा 98 को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा और प्रिंट करता चला जाएगा ए बी सी डी ई। और जैसे ही ये 102 होगा क्या करेगा, इससे बाहर आएगा और बाहर आने के बाद कर्सर को यहां शिफ्ट करेगा और फिर आउटर लूप में गया, और इस बार आउटर लूप में जाने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 102 हो जाएगी और इससे बाहर आ जाएगा। इस तरह से हमने देखा जो डिजायर्ड आउटपुट था हम लोग गेन कर चुके हैं इस तरह से। नेक्स्ट प्रोग्राम देखा जाए तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रोग्राम भी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल वैल्यू का अंतर है। जहां पर स्मॉल ए था अब कैपिटल ए बी सी डी को प्रिंट कराना है। देखिए ए बी ए बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी ई, बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्राम है, केवल आपको वैल्यू चेंज करना है। जहां पर 97 से ये चला रहे थे, हमने आपको कहा कि कैपिटल ए की वैल्यू 65 से स्टार्ट होती है, यहां पर क्या लिख देंगे 65, ठीक है 65 से स्टार्ट होगी, 65 66 67 68 69, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 69, ठीक है। और ये भी लूप उसी तरह से चलेगा 65 से आई तक चलेगा, इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूं। 65 लेस देन आर इक्वल टू 69 कंडीशन ट्रू, इनर में आया, अब इनर की वैल्यू 65 से कहां तक चलेगा, 65 तक वन टाइम चला और इसको कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर वैल्यू में 65 को, तो क्या हो गया कैरेक्टर ए, यानी सस वाइल प्रिंट क्या करेगा कैरेक्टर ए प्रिंट करेगा, यानी ये प्रिंट किया कैरेक्टर ए। फिर यहां गया इंक्रीमेंट किया, अभी तक आई की वैल्यू 65 थी, इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई 66 लेस देन आर इक्वल टू 69 कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आया कंडीशन यहां चेक किया 65 से लूप चलेगा कहां तक 66 तक चलेगा, अब 66 तक लूप चला नीचे आया प्रिंट क्या किया, सबसे पहले 65 को प्रिंट किया कैरेक्टर में कन्वर्ट किया क्या हो गया कैपिटल ए, फिर इंक्रीमेंट किया ये वैल्यू क्या हो गई 66, अब इस बार यहां चेक किया 66 लेस देन आर इक्वल टू 66 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, इस बार 66 को प्रिंट किया कैरेक्टर वैल्यू में भी, जैसे ही इसकी वैल्यू 67 हुई तो ये फॉल्स हुआ कंडीशन और नीचे आया कर्सर को यहां शिफ्ट कर दिया। अब यहां पर फिर से गया आई की वैल्यू 67 हो चुकी है, 67 लेस देन आर इक्वल टू 69 कंडीशन ट्रू, फिर यहां आया 65 से 67 तक, यानी 3 टाइम्स लूप चलेगा और 3 बार में 65 को कन्वर्ट पहले किया फिर 66 को कन्वर्ट किया फिर 67 को कन्वर्ट, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे इसी तरह से नेक्स्ट लूप चलेगा, ये आई की वैल्यू 68 के लिए चलेगा, 68 लेस देन आर इक्वल टू 69 कंडीशन एक बार फिर से ट्रू है और 65 से 68 तक चलेगा, यानी 4 टाइम ये लूप चलेगा, 65 को कन्वर्ट किया 66 को कन्वर्ट किया 67 को कन्वर्ट किया और 68 को कन्वर्ट किया। इसी तरह से फिर गया आई के पास और आई को काउंटर यहां चला आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई इंक्रीमेंट हो गया अब क्या हो गया 69 लेस देन आर इक्वल टू 69 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, एक बार लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद 65 से कहां तक चलेगा 69 तक, और इस बार फिर से 65 के लिए ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी कहां से आया 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया ए, 66 को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया भी, इस तरह से कन्वर्ट करता हुआ इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये था पैटर्न प्रिंटिंग में प्रोग्राम, इसके रिवर्स के भी इसी तरह से प्रोग्राम्स हैं, जैसे इसके पिछले उसमें हमने बताया रिवर्स का प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम इसके और बताता हूं जो ट्रायंगल शेप का प्रोग्राम है, इसको आपको देखना है।
ट्रायंगल शेप के पहले स्पेस अगर किसी भी स्पेस देते हैं कि इस तरह से अगर कोई नंबर प्रिंट हो रहा है तो उसको देखिए कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसको देखा जाए, अगर इसको देखा जाए तो ये इस तरह से यहाँ पर कितने स्पेस हैं, 1, 2, 3, 4 स्पेस हैं, इसमें 1, 2, 3 स्पेस हैं, इसमें 1, 2 स्पेस हैं, इसमें 1 स्पेस है, इसमें 0 स्पेस है। तो इस तरह से हमको देखना पड़ेगा कितने लूप्स इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले तो आउटर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1, 2, 5 टाइम्स ही चलेगा, 5 रोज है इसमें, और कॉलम भी आपके देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ही है। ठीक, तो इसके अनुसार 2 लूप चलेगा, लेकिन एक देख रहे हैं स्पेस भी मूव हो रहा है, इसके लिए हमको ये और भी लूप लगाना होगा जो केवल स्पेस को प्रिंट करेगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे इसमें एग्जीक्यूट किया जाए, कैसे इसकी कोडिंग किया जाए, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। एक वैल्यू से एक्स्ट्रा इसमें ले लेंगे जो स्पेस के लिए होगा, आई जे और के ले लेते हैं। आई रो के लिए लेते हैं, कितने टाइम्स रो चल रहे हैं, 5 टाइम्स, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन आर इक्वल टू 5 और i प्लस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद कि वैल्यू यहां पर प्रिंट हो उसके जस्ट पहले हमको स्पेस प्रिंट कराना है। सबसे पहले स्पेस को प्रिंट करा लेते हैं, इसके लिए हम लोग j ले लेते हैं, फॉर j इज इक्वल टू स्पेस कितने टाइम्स प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट टाइम 4, उसके बाद 3, 2 फिर 1, तो यहाँ पर j की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 5, j ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 माइनस i और j माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या प्रिंट करा दें, प्रिंट ऑफ स्पेस, एक करेक्टर का स्पेस प्रिंट करा देते हैं और ये लूप यहां पर बंद कर देते हैं स्पेस का, इसलिए कि स्पेस पूरा हमको एग्जीक्यूट कराना है, उसके बाद वैल्यू प्रिंट कराना है। ये कराने के बाद फिर आगे चलते हैं, इसी के नीचे ये कवर कर रहा है, फिर यहां पे फॉर k इज इक्वल टू 1, k इज लेस देन आर इक्वल टू i और k प्लस प्लस, प्रिंट ऑफ परसेंट साइन d k, प्रिंट ऑफ बैक स्लैश n और ये यहां पर आउटर लूप आपका बंद हो। देखिए यहां पर i की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुआ, नीचे आया, ये 5 से कहां तक चलेगा, 5 माइनस i, यानी 5 माइनस i का मतलब क्या हो गया, 1। ठीक है, ये 1 से इसको चलाइए, 1 से चलेगा यहां प्लस प्लस करते हैं, 1 से लेकर के 5 माइनस i तक चलेगा, तो 1 वैल्यू है। सबसे पहले यहां चेक किया, 1 लेस देन n, 1 लेस देन आर इक्वल टू 5 माइनस i, 5 माइनस i का मतलब क्या होगा, i की वैल्यू यहां 1 है, 5 माइनस i का मतलब 4, ये लूप कितनी बार चलेगा, 4 टाइम चलेगा, और 4 टाइम चलने के बाद क्या प्रिंट कराएगा, s a ब्लैंक स्पेस मूव करेगा। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, ब्लैंक स्पेस मूव करेगा, यहीं पर हम लोग देखते चलते हैं किस तरह से प्रिंट करता है, इसी में देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर प्रिंट किया एक कैरेक्टर का ब्लैंक स्पेस, फिर ऊपर गया जे के पास इंक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन आर इक्वल टू 5 माइनस i, i की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, i की वैल्यू क्या है, 1 ना, तो 4 है,
तो फिर से ये क्या करेगा, दूसरी बार के लिए लूप चला और एस टी साइन मिल गया। फिर यहाँ गया जे को इंप्लीमेंट किया 3 less than or equal to 4, फिर कंडीशन 2 है नीचे आया फिर स्पेस को प्रिंट किया। फिर एक बार गया जे के पास इंप्लीमेंट किया 4 less than or equal to i minus i यानी 4, एक बार के लिए और लूप चला और क्या प्रिंट कर दिया, स्पेस प्रिंट किया। और जैसे जे के पास फिर से गया अब ये हो गया 5 less than or equal to 5 minus i यानी 4, तो कंडीशन यहाँ फॉल्स और नीचे आया और नीचे आने के बाद कहाँ चला आया, k के पास आया। ठीक है, यानी अब तक कर्सर हमारा इस प्लेस पे है और ये इसके पहले स्पेस मूव कर चुका है 4 टाइम। अब यहाँ k is equal to 1 less than or equal to i, ठीक है 1 less than or equal to i, i यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है आई की वैल्यू क्या है 1 है, तो कंडीशन ट्रू हुआ नीचे आया और प्रिंट क्या कर दिया यहाँ पर 1 को प्रिंट कर दिया, के की वैल्यू यहाँ क्या प्रिंट कर दिया 1 प्रिंट। और 1 प्रिंट करने के बाद जैसे इसकी के को इंक्रीमेंट करेंगे इसकी वैल्यू 2 होगी, कंडीशन चेक करेगा फॉल्स होगा नीचे आएगा, कर्सर की पोजीशन को क्या कर दिया नीचे शिफ्ट कर दिया। फिर जाएगा कहाँ किसके पास, आई के पास, आई की वैल्यू क्या हो गई 2, 2 less than or equal to 5, कंडीशन ट्रू नीचे आया। 1 से कहां तक चलेगा 1 less than or equal to 5 minus 2, यानी अब ये लूप 3 टाइम्स चलेगा और 3 टाइम्स क्या प्रिंट करेगा स्पेस, तो ये 3 बार ये लूप चला और स्पेस यहां मूव कर दिया, कर्सर हमारा कहां पर आ गया इस स्पेस पे। ठीक है, अब जैसे कंडीशन इसकी फॉल्स होगी फिर यहां पर आया कि की वैल्यू क्या है 1 1 less than or equal to i की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है, तो 1 less than or equal to 2 बिल्कुल कंडीशन 2 है नीचे आया, k की वैल्यू क्या है 1, तो 1 को प्रिंट किया। अब यहां गया k के पास इंक्रीमेंट किया 2 2 less than or equal to 2, कंडीशन फिर से 2 हुई क्या प्रिंट किया 2 को प्रिंट किया। फिर इंक्रीमेंट किया k की वैल्यू 3, इस बार कंडीशन फॉल्स हुआ फिर से कर्सर को शिफ्ट कर दिया कहां पे, यहां पे शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के बाद फिर से कहां पहुंचा दिया i के पास आउटर लूप के पास। अब देखिए i को इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू क्या हो गई 3, 1 से कहां तक, अब यहां पर इनिशियलाइज एक ही बार होता है तो i की वैल्यू क्या हो चुकी 3 हो चुकी, 3 less than or equal to 5, कंडीशन ट्रू नीचे आया। अब ये 1 से कहां तक चलेगा 5 minus 3, यानी 2 बार अब ये लूप चलेगा स्पेस का, और 2 बार स्पेस का लूप चलेगा और कितनी बार स्पेस प्रिंट करेगा 2 टाइम्स स्पेस प्रिंट किया, यानी यहां स्पेस प्रिंट किया और यहां स्पेस प्रिंट किया, कर्सर हमारा किस प्लेस पे है ये थर्ड वाली पोजीशन। ठीक है, अब इससे बाहर आया यहां आया, 1 से कहां तक ये लूप चलेगा 3 टाइम्स का लूप चलेगा, यानी पहले 1 को प्रिंट करेगा फिर 2 को प्रिंट करेगा फिर 3 को प्रिंट करेगा। अब यहां पर प्रिंट क्या किया 1 फिर 2 और फिर 3, ठीक है फिर वहां कंडीशन फॉल्स होगा इसके पास जाएगा, अब i की वैल्यू 4 हो चुकी है, कंडीशन 2 नीचे आया 5 minus 4, यानी अब स्पेस कितनी बार एग्जीक्यूट होगा एक बार, ये लूप कितनी बार चलेगा एक बार सिंगल टाइम पर लूप चलेगा, क्यों, क्योंकि j की वैल्यू क्या है 1 और 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है 4 है, 5 माइनस 4 का मतलब 1, यानी केवल 1 टाइम लूप चलेगा और क्या प्रिंट कर दिया स्पेस, स्पेस ये प्रिंट किया और ठीक है प्रिंट करने के बाद कर्सर हमारा यहां पे आ गया। यहां आने के बाद फिर से यहां आया 4 टाइम का लूप चला, क्या प्रिंट कर दिया 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर यहां गया i की वैल्यू क्या होगी 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है नीचे आया 5 minus 5 यानी 0 टाइम्स ये लूप चला। ठीक है ना, एक भी स्पेस मूव नहीं करेगा कर्सर, यहां जैसे शिफ्ट किए थे तो कर्सर स्पेस में हमारा था अब यहीं पर रहेगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई यहां आया, और यहां आने के बाद k की वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, i की वैल्यू क्या हो चुकी है 5 हो चुकी है, तो लूप k का कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा 1 2 3 4 5, और इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिजायर्ड आउटपुट हमको गेन हो रहा है। कुछ भी नहीं है पैटर्न, बस ये ध्यान रखना है
कि जो हमारे लूप है किस तरह से वर्क कर रहे हैं और डिजायर्ड आउटपुट हमें क्या चाहिए, कहाँ पर वेरिएबल्स का यूज करना है, कहाँ पर क्या यूज करना है, ये हमको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये प्रोग्राम आसानी से हम कर सकते हैं। लास्ट प्रोग्राम पैटर्न में है एसटी साइन का ट्रायंगल क्या है, देखिए प्रीवियस प्रोग्राम की तरह ये भी प्रोग्राम है, बस ध्यान ही देखना है, ध्यान ही देना है कि ये फाइव लाइंस के रो हैं और कॉलम जो है देखिए फर्स्ट टाइम में 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, फिर 9 है, इस तरह से हो रहा है। इसको इस तरह से मैनेज करना है तो देखा जाए कैसे इसको करना है। सेम थ्री वेरिएबल्स को लेकर इसको भी प्रोग्राम यूज करेंगे। प्रोग्राम देखिए कैसे बन रहा है, इसका भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही हो सकता है लेकिन ध्यान देंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा, है कुछ भी नहीं। सर्च करिए, इसको चलाया जाए, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस, फिर से वही बात आ गई कि एसटी साइन प्रिंट करने के पहले स्पेस मूव हो रहे हैं, देखिए कितने स्पेस है 1 2 3 4, वही सेम प्रोग्राम यानी यहाँ पर चलिए फॉर जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन आर इक्वल टू, क्या करें यहाँ पर कितने टाइम चलाना है ये लूप, आई 5 माइनस आई जो हम लोग करते हैं पिछले वाले प्रोग्राम में स्पेस के लिए, यानी पहली बार 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और जे प्लस प्लस, इसको करना है यहाँ पे क्या प्रिंट करा देना है, सिंपली स्पेस को प्रिंट करना है, डबल कोट्स में 1 कैरेक्टर का स्पेस केवल प्रिंट करना है, कुछ यहाँ देना नहीं है, ध्यान देना है इस चीज को, ठीक है। अब बात आई स्पेस से प्रिंट हो जाएगा, अब इसको प्रिंट करना है तो ये ध्यान देना है फर्स्ट टाइम में 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 इस तरह से एसटी प्रिंट हो रहा है। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, फॉर के इज इक्वल टू 1, k is less than or equal to 5 into i minus 2, ठीक है, यहां देखिए i into 2 minus 1 तक लूप चलाएंगे, k प्लस प्लस कर देंगे, अगर i की वैल्यू 1 है तो 1 into 2 हो गया और 2 minus 1 यानी पहली बार 1 टाइम चलेगा, अगर यहाँ पर i की वैल्यू 2 होगी तो 2 into 2 4 हो गया और 4 minus 1 यानी 3 टाइम लूप चलेगा, देखिए बिल्कुल सही हम लोग चल रहे हैं। अगर यहाँ पर i की वैल्यू 3 हो गई, 3 into 2 यानी 6 हो गया और minus 1 कर देंगे तो कितनी बार लूप चलेगा, 5 टाइम लूप चलेगा, बिल्कुल हम लोग सही चल रहे हैं। चलिए यहाँ पर प्रिंट करा दिया जाए, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कराना है, एस्टिक साइन प्रिंट कराना है, एस्टिक साइन प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद फिर से वही प्रिंट हियर बैक स्लैश एन और ये और गेट सीएच, देखिए एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन आर इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगा, नीचे आए 1 कब तक ये लूप चलेगा, 5 माइनस i यानी i की वैल्यू क्या है 1 यानी 4 टाइम ये लूप चला और 4 टाइम क्या प्रिंट कर दिया, एस्ट्रिक साइन वेलनोन 4 टाइम क्या प्रिंट किया, स्पेस यानी कर्सर यहां था 1 2 3 4, कर्सर की पोजीशन कहां आ चुकी है स्पेस प्रिंट करने के बाद, स्पेस जैसे कंडीशन इसकी फॉल्स होगी, यहां है k के पास है, k 1 से कहां तक चल रहा है, 1 less than or equal to i into 2, i की वैल्यू क्या है 1, 1 into 2 यानी 2 minus 1 यानी 1, यानी 1 टाइम ये लूप चलेगा और क्या प्रिंट कर दिया, asterisk sign और asterisk sign प्रिंट किया, ठीक है। और जैसे यहाँ k के पास गया ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर नीचे आएगा, कर्सर की पोजीशन को कहाँ ले जाएगा, फिर नीचे स्पेस ले जाएगा, यहाँ
ठीक है, यहां लाने के बाद फिर से हुआ आई के पास गया, आई को इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, नीचे आया जे लेस देन आर इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी 3 टाइम्स का ये लूप चलेगा और 3 टाइम्स का प्रिंट करेगा स्पेस, और यहां पर 3 टाइम का स्पेस प्रिंट किया, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस और कर्सर की पोजीशन क्या हो गई, ये प्लेस हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर से कंडीशन इसी फॉल्स होगी, गया के पास, के को इंक्रीमेंट किया, के की वैल्यू क्या हो गई, फिर यहां पर आया के 1 से कहां तक चलेगा, 1 लेस देन आर इक्वल टू आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, 2 into 2 यानी 4, माइनस 1 यानी 3, यानी ये 1 से 3 टाइम्स का लूप चलेगा, यानी 3 बार ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, और फर्स्ट टाइम अगर एग्जीक्यूट किया तो क्या प्रिंट किया एस्ट्रिक साइन, फिर सेकंड टाइम प्रिंट करेगा तो क्या करेगा एस्ट्रिक साइन, थर्ड टाइम फिर ये लूप चला उस लूप में हमने क्या प्रिंट कराया एस्ट्रिक साइन, इस तरह से 3 टाइम्स एस्ट्रिक साइन प्रिंट किया, और फिर से के को जब इंक्रीमेंट किया यहां गया तो कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया, और कर्सर की पोजीशन को कहां शिफ्ट कर दिया नीचे शिफ्ट कर दिया इस प्लेस पे यहां, ठीक। फिर आई के पास गया, आई को इंक्रीमेंट किया, आई इंक्रीमेंट हुआ यहां पर, अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 3, ठीक, 3 लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन 2, जे के पास आ रहा है j less than or equal to 5 minus 3 यानी 2, 2 times space print करेगा, ये लूप कितनी बार चलेगा 2 times चलेगा, और 2 times चलने के बाद 2 बार space print किया, और cursor की position कहां गई इस प्लेस पे आ गई, ठीक है। अब इस प्लेस पे आने के बाद cursor हमारा यहां पर है, condition pass हुआ यहां आया, 1 से कहां तक चलेगा 3 into 2, ठीक है, 3 into 2 यानी 6 माइनस 1 यानी 5, अब ये लूप कितनी बार चलेगा 5 टाइम चलेगा, और 5 टाइम क्या प्रिंट करेगा एस्ट्रिक साइन, और 5 टाइम एस्ट्रिक साइन प्रिंट करेगा, कंडीशन पास होगा फिर नीचे आएगा, फिर यहां आया आई को इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू क्या हो गई 4, 4 लेस देन आर इक्वल टू 5, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, और ट्रू होने के बाद फिर नीचे आया, ठीक। अब यहां पर 5 माइनस 4 यानी 1, 1 टाइम ये लूप चलेगा चलेगा, और क्या प्रिंट करेगा स्पेस, यानी कि 1 टाइम स्पेस प्रिंट किया, कर्सर कहां गया स्पेस किया है, के की वैल्यू क्या है 1, कहां तक गया लेस देन आर इक्वल टू ये क्या है 4, 4 into 2 यानी 8, माइनस 1 यानी 7, 7 टाइम ये लूप चला, और 7 टाइम ये लूप चलेगा तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट क्या है एस्ट्रिक साइन, यानी 7 टाइम एस्ट्रिक साइन प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद फिर नीचे आया, फिर आई के पास आया, अब आई इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू 5 हो चुकी है, 5 लेस देन आर इक्वल टू 5 लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल है, फिर एक बार ट्रू होता है नीचे आता है, और j is equal to i, j is equal to 1, 1 से कहां तक चलेगा 5 minus 5 यानी 0, अब ये 1 टाइम ही एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी एक बार ये स्पेस इसको प्रिंट नहीं करना है, अब इससे बाहर आया, फिर से आया के पास, के कहां से कहां तक चलेगा, के की वैल्यू क्या हो गई है 5, 5 into 2 यानी 10 minus 1 यानी 9 टाइम, 9 टाइम ये लूप चलेगा और ये एस्ट्रिक साइन को प्रिंट करेगा, और इस तरह से एस्ट्रिक साइन प्रिंट किया, और फिर आई के पास आया, कंडीशन फॉल्स भी हो रहा है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि अपनी लॉजिक के थ्रू किस तरह से हम स्पेस को प्रिंट कराते हुए और इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग करा रहे थे, अब इसी में लूपिंग में ही एक कांसेप्ट है सम ऑफ सीरीज का, तो कुछ प्रोग्राम्स उसमें हम देख लेते हैं कि सम ऑफ सीरीज के जो प्रोग्राम्स हैं कैसे हम उनकी लॉजिक लगाकर उनको प्रिंट कराते हैं। सम ऑफ सीरीज, जैसे देखिए एक सीरीज का सम निकालना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 n टर्म्स का,
n टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि यूजर n की वैल्यू देगा तो सीरीज कितने टर्म्स तक जाएगा। तो देखते हैं इसमें किस तरह की कौन कौन से वेरिएबल चाहिए। एक तो s चाहिए जिसमें हम समेशन रखेंगे, दूसरा एक वेरिएबल चाहिए जो कि इस नंबर को जनरेट करेगा 1 से लेकर के नेक्स्ट टर्म्स तक, और ये एक n जिससे हम यूजर से पूछेंगे कि कितने टर्म्स तक आपको वैल्यू चाहिए। सबसे पहले वेरिएबल क्लियर कर लेते हैं, int i s, ठीक है, s इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इनिशियल वैल्यू लोकल वेरिएबल है, इनिशियल वैल्यू इसकी गार्बेज होती है, बार-बार s में हम इंक्रीमेंट करेंगे इस वजह से इसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर लेते हैं, उसके बाद n ले लेते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि हम यूजर से पूछें कि आपको किस टर्म्स तक ये सीरीज जनरेट करनी है। चलिए पूछ लेते हैं, प्रिंट एफ परसेंट परसेंट नहीं प्रिंट एफ इंटर टर्म्स वैल्यू, यूजर से पूछ लिया कितने टर्म्स तक आपको ये जनरेट करना है। यहां से स्कैन का लगा करके इनपुट भी करा दिया टर्म्स के लिए, एम परसेंट दिया इनपुट भी करा लिया। अब यहां से यूजर दे देगा 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स कितने टर्म्स तक हमको ये सीरीज जनरेट करनी है। ठीक है, ये करने के बाद अब हमको लूप चलाना है, फॉर आई इज इक्वल टू 1 आई इज लेस देन आर इक्वल टू n n टर्म्स तक, ठीक है, और आई प्लस प्लस, अब उतने टर्म्स तक हमको लूप चलाना है जितने टर्म्स तक की सीरीज हमें जनरेट करनी है। यस, यहां समेशन करना है, यस इज इक्वल टू यस प्लस आई, आई वैल्यू पहले 1 होगी सम में सम कर देगा, फिर i की वैल्यू 2 होगी तो उसको समेशन में रख देगा, इस तरह से वो टर्म्स तक क्या करेगा समेशन करेगा। करने के बाद फिर जब इससे बाहर आएगा तो प्रिंट करा देंगे, प्रिंट आउट सम ऑफ गिवन सीरीज इज परसेंट साइन डी और यहां पर यस। देखिए आई लूप के लिए लिया है, यस समेशन के लिए लिया है, और n टर्म वैल्यू के लिए लिया है, यूजर से पहले पूछ लिया n टर्म्स की वैल्यू दे दो, यूजर ने दिया, अब उतने टाइम्स ही लूप चलेगा, अगर यूजर यहां 4 कहेगा तो 1 से 4 टर्म्स के लिए लूप चलेगा, अगर यहां 2 कहेगा 2 टर्म्स के लिए, 10 कहेगा 10 टर्म्स के लिए। चलिए अगर मान लीजिए यूजर यहां 4 दिया तो 1 से 4 तक लूप चलेगा, यानी 4 टाइम्स का लूप चलेगा, यस इज इक्वल टू यस प्लस आई, यस की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है 1, तो सम की यस की वैल्यू क्या हो गई यहां पर 1, फिर गया आई के पास इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन फिर से ट्रू है, और यस की वैल्यू क्या है अब यस की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 1 प्लस 2 यानी अब यस की वैल्यू क्या हो गई है 3। फिर से आई के पास गया, आई को इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 3 हो गया, कंडीशन फिर से ट्रू है, अगर n की वैल्यू हम 4 ले चुके हैं यूजर दिया है तो s की वैल्यू क्या है 3 3 plus 3 यानी अब क्या हो गया s की वैल्यू 6 हो चुकी है। i के पास गया, i को इंक्रीमेंट किया, i की वैल्यू 4 हो गया, 4 less than or equal to n की वैल्यू क्या है 4, less तो नहीं है लेकिन इक्वल है, एक बार और ले लूप चलेगा, s की वैल्यू क्या है 6, 6 plus 4 यानी अब s की वैल्यू क्या हो गई 10। ओके, अब फिर से i के पास गया, इंक्रीमेंट किया, अब i की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन फॉल्स, इससे बाहर आया, बाहर आने के बाद प्रिंट कर दिया सम ऑफ गिवन सीरीज इज क्या 10। तो इस तरह से सीरीज का सम हमें निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के बेस्ड है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सबका स्क्वायर, ठीक है, बस यही प्रोग्राम करना है, इसमें करना क्या है सबका स्क्वायर और समेशन भी करना है। तो अगर यहाँ पर जो नंबर है उसका स्क्वायर करना है उसी का क्यूब नहीं करना, केवल स्क्वायर करना है, यहाँ पर सिर्फ ये करना है कि स्क्वायर करने के लिए
यहाँ पर पावर फंक्शन यूज होता है और मैथ डॉट एस यहाँ इंक्लूड करना है, इंक्लूड मैथ डॉट एच मैथमेटिकल फंक्शन को सपोर्ट करता है हेडर फाइल, जैसे स्क्वायर रूट हो गया, पावर फंक्शन हो गया, साइन कॉस टैन जो भी आप यूज करेंगे उसके लिए मैथ डॉट एस लाइब्रेरी फाइल है, उसको आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एस इक्वल टू एस प्लस पावर, पावर के लिए पी ओ डब्ल्यू फंक्शन यूज होता है, पी ओ डब्ल्यू आई और कितने का पावर करना है, टू का पावर करना है, ठीक है ये करना है। अगर वन है वन पावर टू, टू है आई की वैल्यू टू होगी टू पावर टू, इस तरह से एग्जीक्यूट करता जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यस में रखेगा और सम ऑफ सीरीज में यस की वैल्यू को फिल कर देगा, ठीक है। इस तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट भी हम लोग का हो गया। अब थर्ड ऑब्जेक्ट देखते हैं कि यहाँ पर जो भी डिजिट है उस डिजिट का वही पावर हो गया, जैसे 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, इस तरह से उसी का पावर हो रहा है, तो यहाँ पूरा प्रोग्राम वही होगा। केवल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर सेम नंबर है उसी का पावर है तो आई कौन क्या हो जाएगा, आई, अगर 2 है 2 पावर 2, 3 है 3 पावर 3, 4 है 4 पावर 4, इस तरह से कैलकुलेट करते जाएंगे, यस के समेशन की वैल्यू आएगी और उसको प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है आपका फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल का प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले, बस सम ऑफ सीरीज में उसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, जैसे यस इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल, इस तरह से n टर्म्स का, ठीक है। इसको देखिए, एक तो फैक्टोरियल के लिए लूप चलाएंगे और दूसरा लूप चलाएंगे समेशन के, इसको कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले i यहाँ ले लिया है, i यही है, j भी ले लिया है, आई स्क्वायर टू 1 से n तक है, 1 फॉर आई लेस देन आर इक्वल टू n आई प्लस प्लस, ये तो लूप की बात हो गई। अब उसके बाद फैक्टोरियल निकालना है, सबसे पहले जो भी नंबर है उसी का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर फॉर j स्क्वायर टू 1 फैक्टोरियल निकालना है, तो आप उस नंबर से 1 तक का लूप चलाइए, ठीक, तो i j ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और j माइनस माइनस, ठीक है। जो फैक्टोरियल की लगाते हैं, फैक्टोरियल क्या क्या कंसेप्ट होता है, फाइव फैक्टोरियल का ये कंसेप्ट होता है कि उस नंबर से 1 तक हर नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 * 4 * 3 * 2 * 1 इस तरह से, इस तरह से जो नंबर होगा वहां से 1 तक हम चलेंगे, इस वजह से यहां इनिशियल वैल्यू जे की क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। अब यहाँ आए, अब यहाँ एक वेरिएबल और ले लेते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू 1, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू जे, ठीक है। इससे क्या करेगा, उस नंबर का फैक्टोरियल निकालेगा और फैक्टोरियल निकालने के बाद फिर से हमको समेशन करना है, इसके बाहर आएगा और बाहर आने के बाद यहाँ क्या करेगा, समेशन करेगा, तो समेशन क्या कर रहा है, इसके इनर लूप के और आउटर लूप के बीच में सम इज इक्वल टू सम, यस यस लिखिए ना, समेशन के लिए यस इज इक्वल टू यस प्लस 1 बाय फैक्ट, ठीक है 1/5, ये कर देंगे, इसको बंद कर देंगे और बाहर आकर के प्रिंट करा लेंगे सम ऑफ गिवन सीरीज इक्वल टू परसेंट साइन टी, और सीरीज का सम किसमें होल्ड हो रहा है, यस, ठीक है, गेट सी एच। इसको एक बार समझ लिया जाए कैसे फैक्टोरियल निकाल रहा है, कैसे समेशन कर रहा है,
इसी के बेस पे और एक प्रोनाउंस है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले यहां पर टर्म वैल्यू ले लिया, टर्म वैल्यू लेने के बाद वन से कहां तक गया, यन तक गया, ठीक, कंडीशन ट्रू है, नीचे आया, आई जे की वैल्यू यहां पर क्या होगी, इनिशियल वैल्यू 1 हो गई, 1 से 1 तक, यानी 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, ठीक। यहां गया जे के पास, फिर से कोई फैक्टोरियल नहीं होगा, यहां समेशन क्या हो गया, जे एस की वैल्यू 1 हो गई। फिर यहां नीचे आया, i को इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 लेस देन आर इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू। अब इस पर 2 का फैक्टोरियल निकालेगा तो कहां से चलेगा, 2 से 1 तक चलेगा, ठीक है। तो यहां क्या किया, फैक्ट की वैल्यू क्या है, यहां पर फैक्ट की वैल्यू 1 है, 1 इनटू जे की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर 2, ठीक है, 2 हो गया। और 2 होने के बाद इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 इनटू 1 यानी 2, ठीक है। फिर जे को माइनस किया, जे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो फिर से यहां पर फैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इनटू 1 यानी 2 हो गया। अब यहां पर आया यस प्लस 1/2, जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू यहां पर होल्ड हो गई। यहां पर एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि जो हम लोग समेशन ले रहे हैं या 1 बाय फैक्ट कर रहे हैं, इसमें डेसिमल वैल्यू आ सकती है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, तो आप इस समेशन को यहां पर i और j के अलावा जो भी वैल्यू है उसको आप फ्लोट में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहां पर i और j को केवल रूट के वैल्यू को छोड़ करके और n की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब को आप फ्लोट में यहां डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो int i j और n को छोड़ करके बाकी सब को आप फ्लोट में ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए फ्रैक्शनल वैल्यू जो आती है उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 का फैक्टोरियल कर लिया, इसी तरह 3 का फैक्टोरियल निकलेगा, 4 का निकलेगा, और हर का फैक्टोरियल निकाल के और जैसे फैक्टोरियल निकल जाएगा तो समेशन में आकर 1/2 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी और उसको समेशन करता जाएगा और लास्ट में आकर के सम ऑफ जो सीरीज होगी उस सीरीज को प्रिंट कर देगा। अगर यहां पर हम फ्लोट में लिए हुए हैं एस की वैल्यू को तो यहां पर क्या करना होगा, परसेंट साइन डी की जगह परसेंट साइन एफ लिखना होगा, ठीक है, इसका ध्यान आपको देना है, ठीक। ये हमारा था फैक्टोरियल की वैल्यू, ठीक। अगर इसमें से जो भी प्रोग्राम्स हैं अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर है हमारा उस पर आप आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कभी भी। और जो भी नोट्स इससे रिलेटेड होंगे ऑलरेडी आपके लॉगिन पे हम अपलोड कर देंगे और जो भी चीजें हैं आप इसमें आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Shambhunath Group of Institutions, a mentor for glorious transformations.